yesterday we were discussing. No, I don't have 1 minute. Please. Show. Hungi beta corner pe padi hai. Rush me kar lo fir abhi. ऐसे क्या बेटा तुम देख कर आए हो? कहाँ देख कर आए हो? अलमीरा के ऊपर एक बार देखा नहीं तो ऊपर वाला करेक्शन रूम है ना. एक मिनट आपके जा रहे बैठो ऊपर जहाँ टीचर दे टेक देयर लंच वहां पे ब्लॉक्स बने हुए हैं वहां किसी ब्लॉक में देख लो अगर होंगे तो एक बार चलो टीचर. Show that if the diagonals of the quadrilateral are equal, bisect each other at right angles, then it is a square. Now we have to prove a quadrilateral is a square. So make the figure. Who wants scale now? शर्म ही नहीं आती कि मैम बार बार बोल रहे हैं हम चुप कर जाएं. बिल्कुल ही बेहुदा क्लास है. दो मिनट आराम से अच्छे से बात क्या कर लो इनसे. ये लायक ही नहीं हो तुम लोगों से खड़ूस बन के स्ट्रिक्टली बात करनी चाहिए. एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं ऊपर से फर्स्ट पीरियड मूड खराब करने के लिए. राइट ऑन गिवन डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज गिवन. AC is equal to BD. Bisect each other at right angles. So what else is given? OA is equal to OC. And कल given लिखवाया था. Yes. OB is equal to OD. And third one is angle AOD is equal to angle COD is equal to 90 degree. Bisect at right angle. ये 90 है, ये 90 है. तो बेटा ये भी 90 होंगे. ठीक है. To prove ABCD is a square, we have to prove it a square. So yesterday we were discussing in order to prove it a square. First of all, we have to prove that all the four sides are equal, right? And then we have to prove Almira ke upar. English ki padh rahi thi. English ki itni dusri wali Almira pe maths. Okay. Is 90. So first of all, we will prove the sides equal. Now, कौन से ट्राइंगल ने ये वाला और ये वाला लेके देखे या ये वाला साइड वाला भी ले सकते हैं. ठीक है. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी दिस इज कॉमन राइट. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. ये हाफ इसके इक्वल एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच 90 डिग्री. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड द ट्राइंगल्स आर कॉमन. ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड आपस में इक्वल सिमिलरली करके सब बाकी साइड लिखेंगे. इतना लिखेंगे पहले. ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है. राइट डाउन. इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओडी एओ इज इक्वल टू एओ कॉमन एंगल इधर ले लो वन इधर ले लो टू. वैसे आइडियली क्या होता है जैसे हमने एओबी पहले लिखा है तो एओबी में जो एंगल है वो उस साइड लिखना होता है. ठीक है. राइट. एंगल वन इज इक्वल टू टू बट फिर भी समटाइम्स यू डोंट डिडक्ट मार्क्स फॉर दैट बट द रूल इज दैट यू हैव टू राइट द एंगल जो ट्राइंगल नेम पहले. हाँ जी लो पेन दो बेटा. हाँ जी एओडी हाँ ले सकते. ठीक है. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच 90 डिग्री एंड
OB is equal to OD. This is given. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle AOD by side angle, side rule. Okay. This implies, okay, this implies AB is equal to AD. AD. AB is equal to AD, CP, CT. Similarly, AB is equal to BC. BC is equal to CD. CD is equal to DA. हाँ, क्योंकि वही ऐसे ऐसे रूल ही यूज होगा. अभी इसके बाद हमने कहा किसने पूछा है, हाँ, क्योंकि इसके बाद हमने इसको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, हमने प्रूव किया चारों साइड इक्वल है, अब हमने ये प्रूव करना है कि वो पैरेलल भी है, तभी हम इसको ऑल्टरनेट ये लाइन्स को हम पैरेलल प्रूव करेंगे, तभी हम जब ये दो एंगल्स को इक्वल करेंगे तो कहेंगे कि सम180 है. इनका 180 कब होगा, जब ये दो लाइन्स पैरेलल है, अभी तक ये पैरेलल नहीं है, तो इसलिए फिर अलग अलग बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, इसलिए हम इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं. और मोर ओवर सब में एक ही चीज है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो सिमिलर, तो डिफरेंट होता फिर प्रूफ करते नहीं कुछ नहीं. ऑल द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल. अब देखिए बेटा, now there is a property that if one pair of opposite sides are equal as well as parallel, then it is a parallelogram. अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को इधर देखो, ये हो गया. Now if we take these two triangles, ये आमने सामने वाले, then we can say OA is equal to OC, OB is equal to OD, and these angles are vertically opposite angles. So therefore, by side angle side, the triangles are again congruent. If the triangles are congruent, then we can say that this angle, ये 3 हो गया, ये 4, this angle 4 is equal to 5, and 6 is equal to 7. CPCT, which are alternate angles also. Right? Therefore, AB is parallel to BC. If alternate angles are equal, then the lines are parallel. समझ आ रही है? Alternate angles अगर equal हो गए, तो ये lines क्या हो गई? Now this line AB is parallel to DC. ये भी हम prove करेंगे. AB is equal to DC. ये हम prove कर चुके हैं. Therefore, it becomes a parallelogram. Any doubt? ठीक है? समझ आ रहा है कीर्ति? कृति, कृति समझ आ रहा है बेटे? श्योर? समझा फिर क्या बोला मैंने अभी, कौन से ट्राइंगल देने को बोला? शाबाश, कौन से ट्राइंगल देने को बोला? रमन जी, कौन से ट्राइंगल देने को बोला? क्या करेंगे उसमें? आगे वंशिका, फिर यस, इक्वल तो है पहले ही, फिर फोर से फाइव के इक्वल, सिक्स सेवन के इक्वल, सीपी सीटी विच आर ऑल्टरनेट एंगल, वेयर फोर इट इज पैरेलल, फिर हम लिखेंगे. हाँ, ऑल्टरनेट ही बोला है? नहीं, ये इक्वल किससे हैं?
पहले इक्वल है और जो इक्वल एंगल है वो कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट, इसलिए ये इसके पैरेलल है। समझ आ गई? चलो लिखो, एक साइड को बहुत है, हम लिख देंगे, चाहे दोनों लिख दो चाहे एक लिख दो, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, अगर आप डीओसी लिखते हो, हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डेंट सी, और वैसे भी अगर डीओसी लिखोगे वो बनेगा नहीं, आप देख लेना। एओ इज इक्वल टू सीओ, ओबी इज इक्वल टू ओडी, दिस इज गिवन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी बाय साइड एंगल साइड रूल, दिस इंप्लाइज एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल सेवन, सीपी सीटी, विच आर ऑल्टरनेट एंगल्स। लिख क्यों नहीं, समझ रहे हो? समझाया तो, अब साथ साथ में लिखो भी, योग विच आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ऑल्सो जहां पर वो लिखा था ना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी, उसको नंबर वन दे दो, उस बॉक्स को नंबर वन दे दो बेटे, सुनना मेरी बात, इस बॉक्स को नंबर वन दे दो। हाँ, ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी सी फ्रॉम वन, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हनूर कुछ समझ आ रहा है? शुक्र ऐसे ने बोला हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, नहीं नहीं हाँ जी, हमें सबको हमारे काम करा हुआ हमारे, हाँ जी, चलो 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 जल्दी। तो कर आंटी जी ने कह दिया, जल्दी जल्दी साइलेंस। बॉक्स नहीं बेटा, जहां चारों साइड को इक्वल, ये हमने लिखा ना ए बी इज इक्वल बी सी फ्रॉम वन, चाहे ना लिखो मतलब, जरूरत नहीं है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसफर है, यही दो एंगल्स लेने, इसकी जरूरत नहीं, लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे जरूरत नहीं है। वन मिनट अंशिका प्लीज बेटा। यस धीरेन, एक्सक्यूज मैम, मैम प्रूफ तो स्क्वायर करना था, तो पैरेललोग्राम की प्रूफ कर रहे हैं बेटा, अभी कर रही हूँ आगे। ओके मैम, नहीं मैंने वो लाइन लगा दी ना बेटा, इसलिए। सो एवरीवन हैज नोटेड दिस, now see further, we have, in order to prove that it is a square, we have to prove its one angle 90, right? So now we will take these two triangles, ek ye wala niche wala jisme ye pura angle aata hai, aur ye niche wala jisme ye pura angle aata hai, jiske liye don't talk. So is ye wale triangle aur ye wale triangle ko kaise prove karenge? Diagonals equal hai, given hai, ye sides equal hai, humne abhi prove kiya hai, ye common, ऐसे 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 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सीपी सीटी, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ए प्लस बी इज 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स, दोनों इक्वल है तो 90 आ गया। जब एक बॉडी, एक पैरेललोग्राम हमने अभी प्रूव किया है, एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 है वो क्या बन जाता है? स्क्वायर, वो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया, समझ आ गई? सो राइट डाउन,
बेटा 890 है और वो पैरेललोग्राम है वो तो 100% सबके सारे 90 है बिल्कुल ठीक है. इन ट्रायंगल इसी के आगे हाँ जी और किसने पूछा इन समझ नहीं आ रहा फिर क्वेश्चन फिर बाद में पर्सनल आके समझना ठीक है. इन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन ना बेटे ये थोड़े से ना मिक्स मिक्सिंग से है इनको समझने के लिए फोकस जैसे एक बार सॉल्यूशन लिख लिया फिर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा 3 बार 4 बार 5 बार फिर दिमाग में अच्छे से बैठेंगे और सॉल्व कर पाओगे. वी टीच एवरी ईयर बट स्टिल बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू जस्ट रीड इट वंस ठीक है. तो आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ए बी सी एंड ए बी सी बी ए डी नहीं डी ए बी डी ए बी देख लेते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी मतलब हमने ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेना है. ए बी इज इक्वल टू ए बी नहीं आ रहा नेमिंग गलत है एक मिनट सारे जाने ना बोलो ऐसे प्लीज. सी बी ए तो हो गया ये यहां से शुरू किया ए बी सी भी यहां से शुरू करेंगे बी ए ए बी इज इक्वल ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन देन डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी ये ए सी ये बी डी सेम आ रहा है ठीक है. ए सी इज इक्वल टू बी डी दिस इज डायगनल इक्वल गिवन है देखो गिवन में ठीक है. एंड द थर्ड साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी ना ना बी सी बेटा BC is equal to AD. Yes. या proved above. From one लिख दो या proved above लिख दो. Now we have proved that all the four sides are equal. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD by SSS rule. This implies angle A is equal to angle B. CPCT also angle now ABCD is a parallelogram. This implies angle A plus angle B is 180 degree co-interior angles both are equal. बस सीधा लिख दो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 सीधा भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा ए प्लस बी 90 सीधा जैसे उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 पूरा पूरा एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स हमने किए हैं ठीक है. नोट डाउन क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आई होप एवरीवन हैज नोटेड दिस. मार्क द एंगल्स इन द फिगर. क्वेश्चन नंबर 6 डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी. Now, beta, listen. When we make parallelogram from our side, any quadrilateral, then it is our wish where we have to take A either here. But when the figure is given, then very carefully you have to mark the alphabet where it is given. A, B, C, D, ulta pulta kar doge, figure given ke hisab se ulta kar doge, to galat ho jayega.
समझ आ गई बात? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब क्या है? इधर देखो कि ये जो डायगोनल है ये इस एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट। इस एंगल को बाइसेक्ट करता है मींस ये जो एंगल है वो इसके क्या है? बराबर। वी हैव टू प्रूव दैट दिस डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, राइट? सो राइट डाउन गिवन। A B C D is a parallelogram. Diagonal A C bisects angle A. Diagonal A C bisects angle A. ये this implies 1 = 2 आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है? To prove AC bisects angle C, देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। क्या प्रूव करना है? बेटा ये जो लाइन, हाँ बोल दिया, ये जो लाइन है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये जो लाइन है वो सेंटर से निकल रही है, और ये मान लो अगर पूरा 60 है तो ये 30 और ये 30 दोनों को मिलाकर, बस फिर वही लिखा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा ये एंगल ए इन दोनों को मिलाकर है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि बीच में से जो लाइन जा रही है वो उसको हाफ से कट कर दी है। आगे समझ? ठीक है, अब देखिए, अब हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल है 3 ये 4 के क्या है? बराबर। जो ए सी सी हमने प्रूव करना है, ए सी किसको बाइसेक्ट करता है? सी को। दिव्यांशी समझ लो प्लीज, ये C को भी बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है? फिर हमने प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर साइड्स के हिसाब से देखें तो वो ये होगी कि चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल। हमें क्या है अभी तक गिवन कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। कैसे? क्यों ऑपोजिट साइड्स इक्वल है? क्योंकि मतलब ये इसके इक्वल है। अगर मैं इस ये वाली साइड को इसके इक्वल भी प्रूव कर दूं चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे। इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको देखो, ये पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं 1 4 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स 2 3 के इक्वल है, ये आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये आपस में इक्वल, तो ये भी आपस में, ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये आपस में इक्वल हो गए 3 4, देयरफॉर एसी बाइसेक्ट एंगल सी। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, वी विल टेक दिस टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड एडीसी। क्यों ए से ही शुरू करेंगे? क्योंकि ये एबीसी और एडीसी, हमें एबी एडी के इक्वल प्रूव करना है, तो एबी लिया है तो एडी लेना पड़ेगा पहले। बात समझ में आ गई? इन दोनों ट्राइंगल में ये इसके इक्वल गिवन, ये इसके इक्वल प्रूव्ड अबव, ये कॉमन, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD। सिंपलिसिटी, AB AD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। फाइन, 2 में होगा। राइट डाउन प्रूफ। ABCD is a parallelogram
This implies rhombus की property, वो नहीं use करेंगे ना इसमें, क्योंकि सिर्फ इसमें parallelogram है तो sides की property use करके उसको rhombus prove करना है। अगर किसी question में diagonals की बात कर रहे हो तो diagonals की बात करनी है, otherwise नहीं, ठीक है? Angle one is equal to angle four, angle two is equal to angle three. Alternate angles also, angle one is equal to angle two. This is given. इधर देखो, one two के बराबर है, तो three four. समझ आ गई? Yes. Left hand side equal, right hand sides of both the equations are. This implies angle three is equal to angle four. This implies AC bisects angle C. Hence, first part is proved. For second part, in triangle ABC and triangle ADC, angle 1 is equal to angle 2, given angle 3 is equal to angle 4, proved above. AC is equal to AC, common, therefore triangle ABC is congruent to triangle A by angle side angle rule. This implies AB is equal to AD, CP, CP. Now AB is equal to DC. Why? Because opposite sides of parallelogram, and AB is equal to AD. This implies, therefore, ये इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम है, ये इसके इक्वल आ गया प्रूव्ड अबव, इसका मतलब ये आपस में इक्वल है, इस देयरफॉर चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, सीधा लिख देना, देयरफॉर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. दिस इंप्लाइज एबीसीडी इज अ रोम्बस. So on Tuesday test 6, 7, 8 with examples. आएंगे. Yes. अब ये वाले वीक तो फिर टेस्ट होगा, थर्सडे से हॉलीडेज हैं, दिवाली पता नहीं बेटा, अभी जो भी है, मतलब स्टे बैक का तो नहीं ना, फिर नेक्स्ट वीक जब आप मंडे से आएंगे हम फेलियर सबसे, फिर मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए हरनूर, ठीक है, पास हो जा, फिर मैं अदरवाइज आई विल टेक यू टू प्रिंसिपल मैम, देन शी विल टॉक टू यू. अभी मैंने फर्स्ट टेस्ट था, तुम फेल हुए, सेकंड रादर, फिर भी मैंने किया, चल कोई बात नहीं, अब कि आपने कहा मैडम मैं अगले टेस्ट में पढ़ूंगा, अगर तूने अगले टेस्ट में बदतमीजी दिखाई, नहीं पढ़कर आया, तो डायरेक्टली आई विल टेक यू टू मैम ऑन द सेम वेरी डे, आपका टेस्ट चेक करके, जो जो बच्चे जिनके मुझे जो जो पिछली बार फेल थे उनके टेस्ट मैंने सेम डे चेक कर देने, ट्यूजडे, देन आई विल टेक यू टू मैम, पढ़ना पढ़ लो प्लीज, एंड यू विल सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, नो स्कोप ऑफ सिटिंग.
बात नहीं करनी। हाँ जी धीरेन बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो नाउ ए बी इक्वल्स टू डी सी जो ऊपर रीजन लिखा है उसका रीजन क्या लिखा हुआ है? ये हाँ मैम इसका बताओ रीजन क्या क्या लिखा लिखा है? होगा, तुम बताओ। वैसे ए बी डी सी के इक्वल क्यों है धीरेन? मैम उसकी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। और फिर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख दो आर इक्वल, नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन को समझोगे ठीक है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेटा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉरेस्पोंडेंस। अगर तुम्हारी तुमने मान लो ए बी सी और सी डी ए लिख दिया, फिर इसको हमने क्रॉस कर देना है क्योंकि सी डी ए के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये जो ए बी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ तुम सी डी ए लिखो, यहाँ तुम ए बी इज इक्वल टू ए डी लिखो, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फुल क्रॉस है। राइट, सीबीएसई ऑल्सो डोंट गिव मार्क्स फॉर दिस। So if the correspondence is wrong, no marks will be given. So be very careful for that.